किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके आई मीन यू नो सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। कंगना रनौत ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया गया है। उनके नाम की घोषणा के बाद से ही नेताओं समेत फिल्मी सितारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। वहीं इस मामले पर अब सुप्रिया के खिलाफ कंगना क्या एक्शन लेंगी, सुनिए। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके आई मीन यू नो सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम, आप एक्शन लेंगे? महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे, और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे, मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। वहीं इससे पहले कंगना ने सुप्रिया की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्स पर जवाब देते हुए लिखा था, प्रिय सुप्रिया जी, मैंने एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह के महिला किरदार निभाए हैं। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में क्रांतिकारी नेत्री तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए, साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार होती है। बता दें कि कंगना रनौत ने इस मामले पर अभी तक कोई ऑफिशियल कदम नहीं उठाया है। वहीं आज राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर आगे इस मामले को लेकर बीजेपी और कंगना रनौत क्या रुख रखेंगी, ये देखने वाली बात होगी।